आज का टॉपिक है मैक्स स्टैंडर्ड 9th चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम एग्जांपल नंबर 5। तो लास्ट टाइम हमने एग्जांपल 4 कंप्लीट करा था, तो उसके आगे हम एग्जांपल नंबर 5 से कंटिन्यू करते हैं। अब देखो एग्जांपल 5 में आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फाइंड द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। तो यहाँ पे हमारे पास तीन नंबर्स हैं जो हमको p by q फॉर्म में दिए। तो p by q फॉर्म मतलब क्या होता है, रेशनल नंबर। क्या होता है वो, रेशनल नंबर। तो यहाँ पे हमारे पास तीन रेशनल नंबर्स हैं। अब ये तीनों जो रेशनल नंबर्स हैं उसको हमको डेसिमल फॉर्म में लाना है। p by q फॉर्म से कौन से फॉर्म में लाना है, इसको डेसिमल फॉर्म में लेके आना है। तो देखो पहला नंबर हमारे पास क्या है यहाँ पे, दैट इज 10/3। तो 10/3 को अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा, ऊपर न्यूमरेटर में क्या है 10, तो अंदर आएगा, डिनोमिनेटर में 3 तो बाहर आएगा। अब चलो अब इसको 3 को और 10 को 3 से हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो सिंपली 3 3 9, 10 माइनस 1 तो 10 माइनस 9 तो कितना बचेगा 1। फिर यहाँ पे एक 0, अगर 0 ले रहे तो ऊपर क्या आएगा, एक पॉइंट आएगा, ऊपर क्या आएगा हमारा एक पॉइंट। वापिस 3 3 9, वापिस क्या बचा यहाँ पे 1, फिर एक और 0, फिर वापिस किससे 3 से, फिर 9। अब देखो ये इस तरीके से चलता जाएगा, इसका कोई एंड आने वाला नहीं है। ये कौन सा टाइप होगा हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। क्या हो गया हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो मैं 10/3 को क्या लिखूंगा, 3.3 बार। क्या लिखेंगे इसको हम लोग, 3.3 बार, क्योंकि यहाँ पे देखो जो 3 है वो बार बार रिपीट होने वाला है। इसी के अंदर सेकेंड देखो जरा, सेकेंड कहते हैं अपने को 7/8। तो 7/8 में देखो, तो न्यूमिनेटर में क्या है 7, तो वो अंदर आएगा, डिनोमिनेटर में 8 तो बाहर आएगा। अब एक सिंपल सी बात बताओ, 7 और 8 में बड़ा कौन है, ऑब्वियसली 8 बड़ा है, 7 छोटा। अब कभी भी कोई भी बड़े नंबर से क्या छोटा नंबर डिवाइड होता है, नहीं। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली वहां पे 0 पुट करते हैं। क्या करते हैं हम लोग वहां पे 0। तो यहाँ पे सबसे पहले रखूंगा 0। अब जैसे 0 रखा तो वहां पे आएगा ऊपर 0 पॉइंट। देखो एक और चीज याद रखना, अगर फर्स्ट टाइम तुम 0 रखोगे तभी ऊपर पॉइंट आएगा, दूसरी बार 0 रखोगे तो पॉइंट लेने की जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले 8, तो 8 1 8, वैसे अगर आप लोग करोगे तो 8 8 64, क्या होता है बेटा 8 8 8 9 72, तो 72 तो इससे बड़ा हो जाएगा। तो अपने को क्या करना है, 8 8 जा, तो यहाँ पे आएगा 8 और 8 8 64। इसको माइनस करो, 70 माइनस 64 तो कितना बचेगा 6। और यहाँ पे अभी भी देखो 8 और 6 में बड़ा कौन है, 8 बड़ा, तो यहाँ पे एक 0 लेंगे। देखो तो दूसरी बार 0 ले रहे हैं तो ऊपर पॉइंट आएगा नहीं, बराबर। अब वैसे अपने करेंगे 8 7 जा, तो 8 7 जा 56, तो 7 और यहाँ पे आएगा 56। अब 60 माइनस 56 करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा, तो अपने यहाँ पे एक 0 लेंगे। 60 माइनस 56 तो 4 होगा और एक 0 लेंगे, तो 8 5 जा 40, तो यहाँ पे 0। तो यहाँ पे हमारा 7/8 का डेसिमल फॉर्म क्या आया, 0.875, बराबर। तो ये उसका डेसिमल फॉर्म है। देखो यहाँ पे हमको खाली डेसिमल फॉर्म में लाना है, हमको यहाँ पे पूछा नहीं कि टाइप बताओ। अगर टाइप पूछी होती तो हम लोग बताते कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, अगर टाइप पूछी होती तो, बट टाइप पूछी नहीं है तो खाली डेसिमल फॉर्म में लाके हमको छोड़ देने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी के अंदर का थर्ड हमको क्या दिया है, 1/7। तो देखो यहाँ पे अंदर क्या आएगा 1, बाहर आएगा 7। 1 और 7 में बड़ा कौन है, 7, तो 1 उससे डिवाइड हो पाएगा नहीं, तो एक 0 लेंगे, तो ऊपर भी क्या लेंगे हम लोग 0 पॉइंट। तो सबसे पहले 7 1 7, 10 माइनस 7 कितना होगा 3, और यहाँ पे क्या लेंगे 0। 7 4 जा 28, 30 माइनस 20 तो 2 बचेगा, तो यहाँ पे एक 0 लेंगे, तो 7 2 जा 14, 7 2 जा कितना होगा 14। 20 माइनस 14 कितना होगा यहाँ पे हमारा 6, और पीछे एक 0, तो 7 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 63 तो बड़ा हो जाएगा, तो अपने 8 से इसको करेंगे, तो 7 8 जा 56, कितना बचेगा 4 0, 7 5 जा 35, 40 माइनस 35 तो कितना 5, और यहाँ पे क्या लेंगे 0, फिर 7 7 जा 49, क्या बचा 1। अब देखो हमने हमारा डिवीजन कहाँ से स्टार्ट किया था, 1 से करा था, वापिस यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ रहा है, मतलब यहाँ पे चलो मैं 0 लिखूंगा यानी 10 होगा। अब 10 हो गया तो वापिस यही सारी पैटर्न रिपीट होगी कि नहीं होगी, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/7 को 0.142857 बार। क्या लिखेंगे, 1.2857 बार। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 कंप्लीट। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पे। तो देखो एग्जाम्पल 6 में क्या दिया है, शो दैट 3.142678 इज अ रैशनल नंबर। इन अदर वर्ड्स एक्सप्रेस
3.142678 in the form of p by q, where p and q are the integers and q is not equals to 0. अब यहाँ पे हमको एक नंबर दिया है, हमको नंबर क्या दिया है 3.142678. अब अपने को यहाँ पे ये बताना है ये रैशनल नंबर है कि नहीं है, और अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको हमको p by q फॉर्म में भी लाना पड़ेगा. तो सबसे पहले इसका आंसर क्या है, यस इट इज अ रैशनल नंबर. ये क्या हमारा रैशनल नंबर है. अब इसका p by q फॉर्म क्या होगा, सिंपली 3142678. अब जैसे अपने प्राइमरी में करता था आपको याद हो कि जैसे ये पॉइंट है तो पॉइंट के बदले क्या लिखने का, वन. अब काउंट करो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है टोटल, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो अभी क्या आएगा, 6 जीरोस, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो ये हो गया इसका p by q फॉर्म, बराबर. नेक्स्ट एग्जांपल पे बढ़ते हैं, एग्जांपल नंबर 7. अब देखो एग्जांपल नंबर 7 में क्या दिया है, शो दैट 0.3333, दैट इज 0.3 बार. जैसे मैं बताया था आपको इनिशियल वीडियोस में कि 0.3 बार, मतलब वो भी डिजिट बार बार रिपीट होता है, उसके ऊपर अपने क्या लगाते हैं, बार लगाते हैं, कैन बी एक्सप्रेस इन पी बाई क्यू फॉर्म. तो अब हमको यहाँ पे 0.3 बार को पी बाई क्यू फॉर्म में लेके आना है. तो देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 0.3 बार. सबसे पहले क्या करेंगे, लेट एक्स इक्वल्स टू 0.3 बार. एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, 0.3 बार. अब देखो 3 के ऊपर बार है तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ therefore x equals to 0.3333 dot dot dot, मतलब ये infinite times आता रहेगा, इसकी कोई लिमिट होती नहीं है. अब जैसे मैंने आपको बताया था याद हो तो, अगर एक नंबर पे बार हो तो किससे मल्टीप्लाई करने का, 10 से. दो पे हो तो किससे करने का, 100 से. तीन पे हो तो 1000 पे. चार पे हो तो 10,000 से. तो यहाँ पे कितने नंबर पे बार है, एक ही नंबर पे बार है, एक ही डिजिट पे, तो मल्टीप्लाई किससे होगा, 10 से. तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखने का, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स. तो दोनों साइड अपना 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट विल बी 10 इंटू एक्स, 10 इंटू 0.333 डॉट डॉट डॉट. तो 10 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 10x. अब 10 से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई मतलब एक जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो तुम्हारा डिजिट है वो क्या होगा, एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा. जो डेसिमल है, पॉइंट है वो आपका, वो एक डिजिट शिफ्ट हो जाए, एक डिजिट शिफ्ट होगा, दैट विल बी 3.333 डॉट डॉट डॉट. अब देखो मल्टीप्लाई हो गया, अब इसके आगे कोई कैलकुलेशन बचा नहीं है. अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग. तो देखो सब्ट्रैक्टिंग में फिक्स होता है हमेशा, देखो सब्ट्रैक्टिंग में क्या होगा, सब्ट्रैक्टिंग एक्स फ्रॉम both the sides. तो दोनों बाजू से हम लोग x को subtract करेंगे, so that will be 10x minus x, और right side का 3.333 by dash x. तो 10x minus x 9x. अब ये दोनों minus हो पाएंगे, ये 3.33 और ये x, ये दोनों like terms नहीं है. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, starting में देखो हमने x के value के लिए 0.33, तो ये जो x की value है वो वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे. देखो ये 3.33 तो एज इट इज ही रहेगा. अब यहाँ पे x के बदले क्या लिखेंगे हम लोग, 0.333 डॉट डॉट डॉट. तो देखो 9x इक्वल टू 3.33 माइनस 0.33, तो कितना बचेगा, 3. अब जो 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है वो कहाँ पे आएगा, नीचे डिवाइड में. तो 3/9, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/3. तो यहाँ पे तुम्हारा 0.3 बार को p by q फॉर्म में हम लिखते हैं 1/3. अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8. अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8. अब देखो एग्जाम्पल 8 में क्या दिया अपने को, शो दैट 1.2727 डॉट 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 इक्वल्स टू 1.27 बार कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू. तो यहाँ पे जैसे हमारे पास 1.27 बार है, उसको हमको कौन से फॉर्म में लाना है, पी बाई क्यू फॉर्म में लाना है, वेर पी एंड क्यू आर द इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0. तो सबसे पहले हमको क्या कन्वर्ट करना पड़ा, 1.27 बार. अब देखो जिसको भी हमको कन्वर्ट करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, लेट x इक्वल्स टू 1.27 बार. अब बार किस पे है, 27 पे, यानी 272727 डॉट डॉट डॉट. जैसे मैंने आपको भी बताया, अगर एक नंबर पे बार होगा तो 10 से, दो पे तो 100 पे से, तीन पे तो 1000. तो यहां पे कितने डिजिट पे बार है, दो डिजिट पे बार है. अब दो डिजिट पे बार है तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से. किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से. तो देखो मल्टीप्लाई by 100 on both the sides. तो दोनों बाजू हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 100 इंटू एक्स, 100 इंटू 1.272727 डॉट डॉट डॉट. अब 100 इंटू एक्स कितना होगा, 100x. अब दो डिजिट, मतलब दो जीरो है
तो डेसिमल भी क्या होगा, दो डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, दो डिजिट शिफ्ट होगा तो कितना होगा 127.2727 डॉट डॉट डॉट। अब देखो मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई के बाद हमेशा क्या करते हैं सब्ट्रैक्टिंग, और सब्ट्रैक्टिंग में फिक्स होता है कि हमेशा आपको एक्स को ही सब्ट्रैक्ट करना है। यहां पे आप लोग लिखोगे सब्ट्रैक्टिंग एक्स फ्रॉम बोथ द साइड्स, तो दोनों बाजू से अपने एक्स को माइनस करेंगे, सो दैट विल बी 100x माइनस एक्स 127.2727 डॉट 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 माइनस एक्स। अब चलो 100x और x ये दोनों तो लाइक टर्म्स है, तो 100 माइनस 1 तो कितना होगा 99x, कितना होगा हमारा 99x। अब इसको माइनस करो, चलो अब ये दोनों माइनस हो पाएगा नहीं, क्योंकि ये डेसिमल में है और ये x के फॉर्म में, तो अब यहां पे हम लोग x की वैल्यू पुट करेंगे, कौन सी वैल्यू जो हमने स्टार्टिंग में सपोज करी है, तो 127.2727 डॉट 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 माइनस 1.2727 डॉट डॉट डॉट। अब इसको अगर आप माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 126, कितना है आपका आंसर आएगा बेटा 126। अब जो 99 मल्टीप्लाई में है वो कहां जाना चाहिए, नीचे डिवाइड में, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 126 अपॉन 99। अब डिवाइड करोगे, देखो दोनों को आप 11 से करोगे, किससे करोगे, सॉरी 11 से नहीं करोगे आप, इसको आप करोगे 9 से, किससे करोगे, दोनों को आप डिवाइड 9 से, 9 से करोगे तो आपका आंसर आएगा 14 अपॉन 11। सो 1.27 बार इज इक्वल टू 14 अपॉन 11, करेक्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 9 पे, तो एग्जांपल नंबर 9 भी हमारा सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, हमको क्या दिया है 0.23535 डॉट 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 0.235 बार, मतलब 3 और 5 पे बार है, तो सेम वैसे ही करना है। सबसे पहले देखो 0.235 बार, तो पहले तो जो नंबर को कन्वर्ट करना उसको अपने x लेंगे, लेट x इक्वल्स टू 0.235 बार। अब ध्यान देना यहाँ पे खाली दो डिजिट पे बार है, तीन पे बार नहीं, मतलब टू के ऊपर कोई बार नहीं, जो बार है वो खाली थ्री और फाइव के ऊपर है, तो सबसे पहले देयरफॉर x इक्वल्स टू 0.23535 डॉट डॉट डॉट। अब जैसे मैंने आपको बताया वापस एक नंबर पे हो तो 10 से, 2 पे तो 100 पे, 3 पे तो 1000 पे, तो यहां पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को 100 से, क्यों, क्योंकि दो डिजिट के ऊपर बार है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ द साइड्स, तो दोनों बाजू 100 से मल्टीप्लाई होगा, सो 100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 100 इंटू 0.23535 डॉट डॉट डॉट। अब 100 इंटू एक्स तो 100x हो जाएगा, और यहां पे देखो दो जीरो है तो डेसिमल दो दो डिजिट शिफ्ट होगा, सो दैट विल बी 23.53535 डॉट डॉट डॉट। अब मल्टीप्लाई का स्टेप हो गया, तो मल्टीप्लाई के बाद हमेशा फिक्स होता है सब्ट्रैक्टिंग, तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्टिंग एक्स फ्रॉम बोथ द साइड्स, तो दोनों बाजू से एक्स को सब्ट्रैक्ट करा जाएगा, तो 100x माइनस एक्स 23.53535 डॉट 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 माइनस एक्स, तो 100 माइनस एक्स तो कितना होगा 99x। अब यहां पे हमको वापस क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो 23.53535 डॉट 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 माइनस 0.23535 डॉट डॉट डॉट। अब इसको जब आप लोग माइनस करो, तो अगर हम लोग इसको देखो माइनस कर, देखो यहां पे थोड़ा सा आपको किस तरीके से करना पड़ेगा वो भी समझो, जैसे 2.3 है तो 535, और यहां पे आप लोग 0.235, तो 55 कट 0 0, यहां पे क्या 3.23 बराबर, तो इसका माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 23.3, कितना आएगा आपका आंसर 23.3। अब सिंपली जो 99 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है वो कहाँ जाएगा, नीचे डिवाइड में, सो x इज इक्वल टू 23.3 अपॉन 99। अब जो पॉइंट है उसके बदले मैं क्या लिखूंगा नीचे 10, तो 23.3 अपॉन 9 19, दैट्स योर फाइनल आंसर। सो 0.235 इज इक्वल टू 233 अपॉन 990 बराबर, तो ये उसका p/q फॉर्म हो गया।